हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कांगली। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि रिएक्ट में जो रिडक्स होता है उसमें जो डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे कि आपका एक्शन क्या है, एक्शन क्रिएटर क्या है, रिड्यूसर क्या है, स्टोर क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि वो क्या चीज है और आगे चल के हम लोग आगे की वीडियोज में उसे बनाएंगे भी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो जब भी आप कोई रिएक्ट में कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें स्टेट होता है, उसमें जो है आप कुछ वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये वैल्यू लिख रहे हैं ईमेल पासवर्ड, इस चीज को हम लोग कहते हैं पेलोड। तो आपको एक नोट पैड प्लस प्लस ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे हम लोग ये सब डिलीट कर देते हैं। इसमें आपको जो मैं चीजें आप बताने वाला वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास पेलोड होता है। पेलोड क्या चीज है? पेलोड है डेटा, स्टेट का डेटा। अब हम लोग नेक्स्ट जिस चीज के बारे में बात करेंगे उसे हम लोग रिडक्स में जो है कहते हैं एक्शन। और एक्शन क्या होता है? एक्शन ये बताता है कि जो आपको जो स्टेट का वैल्यू है उसे जब आप चेंज कर रहे हैं तो आप किस चीज के लिए कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें, मेरे पास ये लॉगिन फॉर्म है, मैं अगर मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो इस एक्शन का आप क्या नाम दे सकते हैं? आप कह सकते हैं लॉगिन यूजर, या फिर आप कह सकते हैं लॉगिन रिक्वेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं ऑथ चेक, ये भी कह सकते हैं, या फिर आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले जो है अपने नोट पैड वाले फाइल में लिखेंगे कि जो रिडक्स में जो दूसरा चीज होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्शन। सबसे पहला पेलोड हो गया जो कि स्टेट का डेटा है, दूसरा होता है एक्शन। और एक्शन का नाम, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन लिख सकते हैं, लॉगिन रिक्वेस्ट। एक्शन का जो नाम होता है वो पूरे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है रिडक्स में। तो कोई व्यक्ति लिखेगा लॉगिन रिक्वेस्ट, कोई लिखेगा लॉगिन, कोई लिखेगा सेट यूजर, या कोई लिखेगा यहाँ पर, जैसे कोई लिख सकता है ऑथ, ये लिख सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है ये एक्शन का नाम इस तरीके से दे सकता है। अब जिस व्यक्ति ने एक्शन का नाम लॉगिन रिक्वेस्ट दिया, वो नाम भी जो था एक्शन का बिल्कुल गलत नहीं था। जिसने लॉगिन लिखा वो भी गलत नहीं है, जिसने सेट यूजर लिखा वो भी गलत नहीं है। तो एक्शन का नाम जो है ये आपको डिसाइड करना होता है क्या रखना है, और वो जो नाम आप रखेंगे वो आपका जो आप एक्शन करने वाले उससे मिलता जुलता हुआ ही होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? लॉगिन होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्शन का नाम लॉगिन रखा, या लॉगिन रिक्वेस्ट, लॉगिन सेट यूजर, ऐसा आप रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बटन होता जिस पे क्लिक करते ही मान लीजिए हम लोग एक काउंटर को इंक्रीमेंट करते। जैसे यहाँ पे मैं एक बटन लगाता है और उस पर क्लिक करने पर 1 2 3 करके वैल्यू बढ़ता रहता, और एक बटन होता जिसमें मैं माइनस लिख देता जिसमें बटन पे क्लिक करने पर वैल्यू घटता रहता, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाता। तो वहां पर जब आप एक्शन बनाने की बात करेंगे तो कोई व्यक्ति क्या लिख सकता है? कोई व्यक्ति लिखेगा इंक्रीमेंट, कोई व्यक्ति लिखेगा ऐड, कोई व्यक्ति लिख सकता है अप, या कोई व्यक्ति लिख सकता है काउंट, ये लिख सकता है, या कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे कोई चीज लिख सकता है। अब जब बात आएगी माइनस वाले बटन की, डिक्रीमेंट करने की, स्टेट की वैल्यू को कम करने की, तब वहां पे फिर से एक्शन का नाम आपको लिख बनाना होगा। तो जैसे कि आपने कहा डिक्रीमेंट, कोई व्यक्ति कहेगा सब्ट्रैक्ट, कोई व्यक्ति कहेगा डाउन, कोई व्यक्ति कहेगा काउंट लेस, ऐसा भी कुछ लग सकता है, या कुछ भी रख सकता है। तो जिस व्यक्ति ने डिक्रीमेंट रखा एक्शन का नाम वो भी गलत नहीं है, जिसने सब रखा वो भी गलत नहीं है, जिसने डाउन रखा वो भी गलत नहीं है। तो एक्शन का नाम जो है आप सेलेक्ट करते, सबसे पहला नियम ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद एक्शन से जो है जो नेक्स्ट चीज बनता है रिडक्स में उसे हम लोग कहते हैं एक्शन क्रिएटर। ये जो होता है ये क्या होता है? ये एक फंक्शन होता है जो कि इस तरह का होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। और ये एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा सेम रहेगा। सबसे पहला की होगा टाइप, और इस टाइप पे जो होता है आप एक्शन का नाम लिखते हैं जो एक्शन आप करने वाले हैं, और उसके बाद होता है पेलोड। और पेलोड पे आप वो डेटा देते हैं जो कि आप स्टेट में जो आप अपडेट करना चाहते हो। जैसे कि हम लोग के पास ये डेटा है ईमेल और पासवर्ड, वो हम लोग यहाँ पे पेलोड पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेलोड जो होता है स्टेट का डेटा होता है। तो ये जो है यहाँ पे ये हो गया स्टेट डेटा। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा एक्शन, उससे बनेगा एक्शन क्रिएटर। और एक्शन क्रिएटर क्या है? आपका एक फंक्शन है
जो कि एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, जिसका स्ट्रक्चर हमेशा इस तरह का होगा। एक टाइप आप लिखेंगे, टाइप में जो है एक्शन का नाम क्या है वो आपको लिखना होता है, और पेलोड में आपको डेटा देना होता है। अब रिडक्स में आप कई बार ऐसे भी जो है एक्शन क्रिएटर बनाएंगे जिनमें केवल सिर्फ आप टाइप लिखेंगे, पेलोड की आपको कोई जरूरत नहीं होगी, तो ऐसा भी एक्शन बनता है। उसके बाद जब एक्शन क्रिएटर आपका बन जाएगा, एक्शन हो गया, एक्शन क्रिएटर हो गया, इसके बाद आप बनाते हैं रिड्यूसर। तो हम लोग लिखते हैं रिड्यूसर यहाँ पे। तो रिड्यूसर का क्या काम होता है वो भी हम लोग अभी बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं लॉगिन एक्शन जो है एक्टिवेट हुआ। इसमें जो है आपकी स्टेट के वैल्यू को अपडेट कर दे, जो कि आप नीचे यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं। तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने नोट पैड वाले फाइल पे। तो यहाँ पे बात होती है रिड्यूसर की। तो रिड्यूसर क्या करता है, रिड्यूसर ये तय करता है कि कौन से एक्शन पे क्या काम करना है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है लॉग इन रिक्वेस्ट, तो इसमें स्टेट की वैल्यू को जो है क्या करना है, क्या अपडेट करना है। या फिर अगर लिखा होगा रजिस्टर, तो फिर स्टेट की वैल्यू जो मौजूद है रिडक्स के अंदर उसमें क्या अपडेट करना है। तो रिड्यूसर ये तय करता है कि कौन से एक्शन पे क्या करना है। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप अपने जो रिएक्ट जेएस का जो एप्लीकेशन होगा उसमें आप जिस भी कंपोनेंट के डेटा को, स्टेट के डेटा को आप रिडक्स के अंदर स्टोर करना चाहेंगे, उन सब कंपोनेंट के लिए जो है आपको उसके एक्शंस बनाने होंगे, उसके एक्शन क्रिएटर बनाने होंगे, फिर उसका रिड्यूसर बनाना होगा। मतलब हर कंपोनेंट के लिए ये इंडिविजुअल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो रिड्यूसर क्या करता है ये मैंने आपको बता दिया। रिड्यूसर ये तय करता है कि कौन से एक्शन पे क्या करना है। उसके बाद जब रिड्यूसर हो गया, इसके बाद आता है स्टोर। और स्टोर जो है वो क्या है, वो आपका एक सेंट्रलाइज्ड जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जो कि सारे स्टेट की वैल्यू को स्टोर करता है, जो आपके अलग अलग कंपोनेंट के होते हैं। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं सेंट्रलाइज्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आप लिख दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए स्टेट, ये लिख दीजिए, सिंपल सा है। तो अगर हम लोग अपने जो है यहां पर जाए कोड में देखें, तो यहां पर आप समझ सकते हैं जो स्टेट है इसे आप मान लीजिए ये कि स्टोर है, और इसके अंदर आपका जो इस कंपोनेंट का सारा डेटा यहां पे मौजूद है। तो ये हो गया। तो इस एग्जाम्पल में जो आप ये समझ सकते हैं। अब मैं आपको फिर से एक बार जो रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या क्या आपको बताया। सबसे पहले जो आपके सामने आता है एक्शन। एक्शन क्या है कि जैसे आपने यहां पर देखिए वेब ब्राउजर पे, या आपने बटन पे क्लिक किया लॉग इन पे, तो एक्शन हुआ। और एक्शन का नाम क्या हुआ, एक्शन का नाम आपको वही रखना है जो आप काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लॉग इन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने रख दिया लॉग इन रिक्वेस्ट। जैसे ही एक्शन होगा तो उसके साथ एक पेलोड भी होगा, यानी कि डेटा होगा, और डेटा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास डेटा है तो पेलोड जो है, पेलोड में क्या होगा कि आपकी जो स्टेट की जो वैल्यू है वो आपका पेलोड बन जाएगा। और फिर आप इस एक्शन से जो एक एक्शन क्रिएटर बनाएंगे रिडक्स में। एक्शन क्रिएटर जो होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, जिसका स्ट्रक्चर हमेशा इस तरह का होगा। उसके अंदर टाइप करके की होगा जो कि ये बताएगा कि ये कौन सा एक्शन है, और पेलोड होगा जिसमें आप डेटा सेट करेंगे। और कई ऐसे एक्शन क्रिएटर होंगे जिसमें पेलोड नहीं भी होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। एक्शन क्रिएटर के बाद जो है रिड्यूसर आता है। रिड्यूसर जो है ये तय करता है कि कौन से एक्शन पे क्या काम करना है, और क्या काम करने का मतलब ये है कि स्टेट की जो वैल्यू है उसमें क्या अपडेट करना है, कुछ अपडेट करना है या डिलीट करना है, क्या करना है वो ये तय करता है रिड्यूसर। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में कंपोनेंट में रिडक्स का यूज करेंगे तो वहां पर आप ऐसे कई कंपोनेंट बनाएंगे जिनमें कुछ स्टेट की वैल्यू रिडक्स से आएगी, रिडक्स के स्टोर से, और कुछ स्टेट की वैल्यू आप इस तरीके से जो है लोकली आप कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे। तो ऐसा भी होता है, और इसमें जो है कोई एरर नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, तो इस तरीके से भी काम किया जाता है। तो ये जो है मैंने आपको बेसिक बता दिया कि एक्शन क्या है, एक्शन क्रिएटर क्या है, रिड्यूसर क्या है, स्टोर क्या है। यही मेन चार बेसिक चीजें जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके कैसे बनाना है वो हम लोग देखेंगे। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं। ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।